क्शन वन थर्टी टू वन फोर्टी एट कारो फॉर कारो ऑल राइट आई ऑलरेडी शेयर कारो का ऑलरेडी मैंने ऐप पे भी एक्सेस देकर रखा है यू कैन सी फ्रॉम देर अंड कारो मेरा जो स्टडी स्ट्रैटेजी है एज पर माई स्टडी स्ट्रैटेजी यू आर नॉट सपोज टू कवर कारो टूडे राइट आज आपका टारगेट होगा सेक्शन वन थर्टी नाइन टू वन फोर्टी एट फॉलोड बाई योर ऑडिट ऑफ बैंक का डिस्कशन राइट ओके तो चलिए

बस इतना ही याद रखना है व्हेन इट कम्स टू एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन दैट्स इट राइट ओके सो आई होप दैट इफ आई गो एट दिस पेस इट इज फाइन बिकॉज वेरी क्विकली फाइन ओके चलो नाउ सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन इज द नेक्स्ट डिस्कशन एंड दैट इज द डिस्कशन ऑफ डिसक्फिकेशन ऑफ एन ऑडिटर डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर विच इज नथिंग बट सेक्शन वन फोर्टी सब सेक्शन थ्री डिसक्वालिफिकेशन का मतलब क्या समझते हो वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई डिस्कालीफिकेशन ईवन दो यू आर अ चार्टेड अकाउंटेंट फिर भी आपने कुछ किया है स्टिल यू हैव डन समथिंग बिकॉज ऑफ विच यू कैनॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर आप चार्ट अकाउंटेंट हो फिर भी आपने कुछ किया है बिकॉज ऑफ विच यू कैनॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑरइट बी वेरी क्लियर डिसक्फिकेशन में सेक्शन वन फोर्टी वन सबसेक्शन थ्री वी है लेके टू क्लॉज आई आई रिपीट इन डिस्कालीफिकेशन वी हैव क्लॉज ए से लेके क्लॉज आई फटाफट फटाफट इसे खत्म करेंगे ऑन सेक्शन वन फोर्टी वन सबसे इफ यू आर सिटिंग विद मॉड्यूल तो मॉड्यूल में एनी वेज वो यहाँ पे है

कंपनी ओपन करता है राजू प्राइवेट लिमिटेड देन इन दैट केस दिस राजू प्राइवेट लिमिटेड इट कैन नॉट बी द ऑडिटर ऑलराइट तो वो लोग कहते हैं बॉडी कॉर्पोरेट यानी एक आर्टिफिशियल पर्सन एक प्रैक्टिसिंग सी आर्टिफिशियल पर्सन बन के प्रैक्टिस करेगा नहीं चलेगा शुड बी अ प्रोपराइटर इंडिविजुअल फर्म और एलएलपी लेकिन टेक्निकली अगर हम देखें तो एलएलपी भी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है हाउएवर एलएलपी इज ट्रीटेड लाइक अ फर्म इसलिए इन्होंने बोला है बॉडी कॉर्पोरेट इज डिस्कालीफाइड लिसन टू मी आप जो डिसक्वालिफिकेशन का लैंग्वेज पढ़ते हो दैट इज ऑलवेज डोंट्स यानी डो नहीं करना है सो बॉडी कॉर्पोरेट लिखा यानी यानी कि it is disqualified other than LLP. यानि कि इट इज अदर देन इवन इफ इफ यू आर एलएलपी तो भले आप टेक्निकली बॉडी कॉर्पोरेट हो बट फिर भी आप ऑडिट कर सकते हो ऑलराइट सो बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट 2008 इज डिस्कालीफाइड

ऑडिटर अपॉइंट कर रहा है एक्स लिमिटेड एक्स लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ वाई लिमिटेड नाउ ये सिचुएशन दिस सिचुएशन इज नॉट कवर्ड इन डिस्कालीफिकेशन अगर ऐसा कुछ भी आता है इन दैट केस यू विल से दैट दिस इज नॉट अलाउड बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस सर इंडिपेंडेंस कंसेप्ट में हम लोग क्या थियोरी लिख सकते हैं बॉस इन माई चैप्टर वन बेसिक्स इन माई चैप्टर वन बेसिक्स मैंने इंडिपेंडेंस का थियरी आपको बताया हुआ है दैट यू कैन राइट इट ओवर हियर ऑल इन माय चैप्टर बेसिकस का थियोरी दट यू कैन राइट इन माई मैराथन विलसो दट इंडिपेंडेंस का थियोरी है इट इज नॉट ओली इंपॉर्टेंट टू बी इंडिपेंडेंट बट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू अपियर इज इंडिपेंडेंट लिसन टू मी वेरी केयरफुल इंडिपेंडेंस वाला लाइन कब यूज करना है जब कोई ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो रही है वन द सिटन दैट इज गेटिंग क्रिएटेड ऑल स लिखना है आई होप आई एम वेरी क्लियर इंडिपेंडेंस के बारे में यू विल राइट ओनलीफ क्वेश्चन इज नॉट गेटिंग कवर्ड बाई लॉ राइट ओके सो आई रिपीट क्लॉज ए क्लॉज ए चलो मेरे साथ क्लॉज ए बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एल एल पी इज डिस्कालीफाइड क्लॉस बी इफ यूर एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी डिस्कॉलीफाइड If Raju is disqualified, then his partners are also disqualified. a disqualification. Mein, if an individual is disqualified, then his partners are also disqualified. Clause C very, very simple. Agar C. A. Raju is an employee or partner of Suresh. And Suresh is an employee or officer of X Limited. Then very clear, CA Raju cannot be appointed as an auditor of x limited bolo a person who is a partner or who is in employment with an employer officer of the company chalo revise karo clause a body corporate other than llp clause b an officer or employee of the company clause c a person who is a partner or in employment with an officer or employee of the company all right come on come on come on come on okay clause d onwards

एबीसी फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपॉइंट करने वाले हैं ऑडिटर ऑफ एक्स लिमिटेड ओके लेटर से दैट पी लिमिटेड इज कंट्रोलिंग एक्स लिमिटेड तो पी लिमिटेड कौन हुई होल्डिंग कंपनी वेरी गुड एक्स लिमिटेड इज कंट्रोलिंग वाई लिमिटेड सो वाई लिमिटेड कौन हुई सब्सिडरी कंपनी वेरी गुड ऑल राइट एक्स लिमिटेड का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है अकाउंट्स अकाउंट्स लॉ पेपर देखे आया तो ये सब वर्ड समझ में आते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर जेड लिमिटेड सो जेड लिमिटेड इज द एसोसिएट कंपनी ऑल राइट एंड पी लिमिटेड इज कंट्रोलिंग क्यू लिमिटेड So QX की कौन है सिस्टर कंसन बट सिस्टर कंसन वर्ड इज नॉट डिफाइंड इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे क्यू लिमिटेड इज सिस्टर वर्ड डिफाइंड नहीं है सबको तो so right. सब मैं थोड़ा नाम दे देता हूं सो पी लिमिटेड अच्छा एक्स लिमिटेड को सी वन पी लिमिटेड सी टू सेट कर रहे हैं एबीसी फॉर्म ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स में देर All थ्री पार्टनर्स एंड लेटर से ए के टेन रिलेटिव है बी के एट रिलेटिव सी के ट्वेल्व रिलेटिव स्टूडेंट्स देर आर टोटल थर्टी रिलेटिव्स.

चलो सब रिप्लाई करेंगे वन फोर्टी वन 3 थ्री क्लॉज डी सब क्लॉज वन इफ आई टॉक अबाउट सिक्योरिटी होल्डिंग तो मेरे जो एग्जाम्पल है उसमें जो एबीसी फर्म है कैन दे होल्ड एनी सिक्योरिटी नहीं सो दे कैन नॉट होल्ड एनी सिक्योरिटी इन सी वन टू सी फाइव सी वन टू सी फाइव में नो no सिक्योरिटी

विद इन हाउ मेनी डेज विद इन सिक्सटी डेज विद इन सिक्सटी डेज ऑफ माई बर्थ डे नो विद इन सिक्सटी डेज ऑफ सच एक्सिशन एक लाख के ऊपर गया उसके नेक्स्ट डे से काउंट करो आप सिक्सटी डेज गिनना

capital not having share capital limited by guarantee which type company this section is applicable to all types of company i hope i am clear with this yes okay chaliye fatafat fatafat fada fad. 141 sub section three clause d sub clause two. udhari indebtedness you owe money you owe money all right so a person who or his relative or partner

राइटिंग पे ध्यान मत देना मैराथन है right. okay. <laughs> credit, लिया ए बी सी फॉर्म प्लस रिलेटिव सब लोग आ गए रूपीज फाइव लैख इन दैट केस दिस एबीसी फर्मी डिसक्वालिफाइड इसमें कोई करेक्टिव एक्शन का लिमिट नहीं है उधारी इन डेटेडनेस शुड नॉट एक्सिड रूपीज फाइव लैख अप टू रूपीज फाइव लैक इवन इफ इट एक्सिड फॉर अल इवन इफ इट एक्सिड फॉर अल देर गोइंग टू बी डिस्कालीफाइड सर ये स्टूडेंट्स इधर एक जबरदस्त एडजस्टमेंट है बी केयरफुल बी केयरफुल बी केयरफुल्स है एडवांस ओके इसमें अपना ही रेम्युनिशन एडवांस में लेता है ना ऑडिटर टेक्स इज ओन रेम्युनिशन इन एडवांस राइट तो ऑडिटर ने अगर अपना रेम्यूनरेशन लिया है बिफोर अपॉइंटमेंट आफ्टर अपॉइंटमेंट बिफोर अपॉइंटमेंट लिया है देन इट विल बी लाइबिलिटी कोई भी रीजन से लिया हो इफ द अमाउंट एक्सिस रूपेज फाइव लैक देन यू कैनॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑल आफ्टर अपॉइंटमेंट अगर रिपोर्ट साइन कर दिया है एंड देन पैसा लिया है देन इन दैट केस इट इज फाइन बट लेटर से अभी तक रिपोर्ट साइन नहीं हुआ है देन देखा जाएगा वेदर प्रपोशनेट वर्क इज डन और प्रपोशनेट वर्क इज नॉट डन अगर प्रपोशनेट वर्क हो चुका है देन इट इज योर इनकम इफ प्रपोशनेट वर्क इज नॉट डन

सेक्शन वन सेक्शन थ्री क्लॉस डी सब क्लॉस थ्री इन डायरेक्ट इंडेटेडनेस है इसके लिए सीधा सीधा डायग्राम देख लो सीधा सीधा लुक एट द डायग्राम सेक्शन वन फोर्टी वन सबसे थ्री ऑल राइट लेट अस से दैट एबीसी फर्म यानी पर्सन पार्टनर सब और रिलेटिव दे हैव गिवन अ गारंटी टू सी वन टू सी फाइव

So they can also ask you a question, direct indebtedness and indirect indebtedness. English padlo iska, English padlo iska. Look at this. So a person who or is relative or partner has given a guarantee or provided any security in connection with indebtedness of any third person. Given a guarantee provided any security in connection with indebtedness of any third person to the company subsidiary holding associate subsidiary of such holding in excess of one lakh rupees. All right. ओके okay, अभी नीचे जो अंदर डिस्कशन दिया यू डोंट हैव टू रीड इट मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको ऑलराइट सो डोंट वरी ओके नाउ ये कुछ ब्लैंक नहीं है डोंट वरी अबाउट इट Okay, so 141 subsection 3 clause D, fada fada okay? sub clause 1 holding security or interest, person partner zero rupees. A relative can hold up to rupees one lakh face value. If it exceeds above that, then corrective action is to be taken within 60 days. If it is not taken, then in that case, the person partner will be disqualified. In case of clause D, sub clause 2, direct indebtedness, direct indebtedness, all right, person partner relative has taken loan, goods on credit, advance, etc., from C1 to C5, amount exceeds rupees five lakh, disqualified, no time for corrective action, even if for a single day amount excess rupees 5 lakh like you will be disqualified you have to be a little careful when auditor is taking his fees in advance all right clause d sub clause 3 given a guarantee guarantee to the company based upon that guarantee company has given loan to some third party if the amount of guarantee excess rupees 1 lakh then in that case the person partner will be disqualified clause d sub clause 1 2 and 3 i hope you are clear with this chalo let us move ahead let us move ahead 141 subsection 3 clause e business relationship again very very sensitive very very important ओके okay. <laughs> तो ये क्या कहता है अ पर्सन और अ फर्म हु वेदर डिरेक्टली और इनडिरेक्टली ध्यान रखना रिलेटिव वर्ड नहीं है इनडिरेक्टली काइंड ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप कोई भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन अगर आपने किया विथ सी वन टू सी फाइव विथ सी वन टू सी फाइव ओके अगर आपने कोई भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन किया जस्ट अ यू डू एनी कमर्शियल ट्रांसैक्शन विध सी वन टू सी फाइव पर्सन और फॉर्म ने किया कोई भी कमर्शियल ट्रांसक्शन भी सी वन टू सी फाइव बिजनेस रिलेशनशिप देन इन दैट केस यू विल बी डिस्कालीफाइड इट डायरेक्टली और इनडिरेक्टली लेकिन ऑब्वियसली हैव गिवन टू एक्सेप्शंस यानी कि चलो मैं इसको लिख देता हूँ ई वन यानी एक्सेप्शन वन

CA Act 1949, provided it is not prohibited, it is not prohibited under section 144 of Companies Act 2013. One more time if the company wants auditor to provide additional services, auditor can provide those services to the company.

141 सब्सेक्शन 3 क्लॉज आई के अंदर लिखा है प्रोवाइडिंग अदर सर्विसेज कि बॉस अ पर्सन डायरेक्टली और इंडिरेक्टली अगर सेक्शन 144 वाली सर्विस इफ अ पर्सन डायरेक्टली और इंडिरेक्टली प्रोवाइड्स द सर्विसेज विच आर गिवन अंडर सेक्शन 144 तो तक कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी ऑलरेडी यानी कि सी वन

देखो यार 144 का लिस्ट ऑफ सर्विसेज हम लोग याद रख लेंगे okay. आजू बाजू का तो याद रखो ऑडिटर डिरेक्टली और इनडिरेक्टली नॉट प्रोवाइड द सर्विसेज आर गिवन अंडर सेक्शन 144 फोर्टी फोर टू सी वन सी टू सी थ्री तो डिरेक्टली और इनडिरेक्टली का मतलब क्या है ऑडिटर प्रोवाइड नहीं कर सकता प्लस उसका रिलेटिव भी प्रोवाइड नहीं कर सकता प्लस

जिसके ऊपर ऑडिटर का इन्फ्लुएंस है या उसके नेटवर्क में है सर नेटवर्क में अस right? so, okay, like so, से एबीसी फॉर्म पी क्यू आर फॉर्म दोनों कॉमनली कंट्रोल्ड बाय जिंगा राइट तो जिंगा बिकम्स द नेटवर्क ऑफ एबीसी फॉर्म एंड पी क्यू आर फॉर्म ऐसा कॉमन कंट्रोल में अगर कोई भी तरीके से कनेक्टेड है फॉर्म इन दैट केस दैट फॉर्म आल्सो कैन नॉट प्रोवाइड द सर्विसेज सो आई रिपीट मैंने काफी इंटरसिटी के बच्चों को देखा है सेक्शन 144 का लिस्ट याद है बट दे डोंट नो हाउ टू यूज सेक्शन 144 सो एवरीवन ओवर हियर ऑडिटर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑलराइट यानी कि ऑडिटर उसका रिलेटिव नेटवर्क फ्रॉम एवरीवन टेकन टुगेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैन नॉट प्रोवाइड द सर्विसेज व्हिच आर गिवन अंडर सेक्शन 144 टू सी वन एंड सी ऑलराइट यस सर यस सर यस सर अब आपका एक ही काम रह गया टू बाय हार्ट द लिस्ट ऑफ सेक्शन 144 ऑलराइट अब देखो सेक्शन 144 में जो लिस्ट दिया है एज एन ऑडिटर आई कैन नॉट प्रोवाइड सर्विस टू सी वन सी टू सी थ्री मत बोलनापिंग ऑडिट ऑफ इंटरन कंट्रोल स्टैट्यूट ऑडिटर इंटरन ऑडिटर डिजाइन इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम लाइक अकाउंटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करवा के दे दो यू के नॉट डू दैट एक्चुअल सर्विस उनका रिस्क कितना उनका वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी जो एक्चुअली काम करता है If you're the auditor, you cannot do it. If you're not the auditor, go dance with the client. Okay.

न so रिमेंबर मर्द अगर याद रखोगे तो आपका मैनेजमेंट <coughs> सर्विसेज आ जाएगा अकाउंटिंग सर्विसेज आ जाएगा डिजाइन इंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम और भी है ईमानदारी कोड भी है ये देर आर समेमिलींग्वेज कोड ऑल्सो राइट तो काफी सारे कोड है बट इसको याद रखना ही है कम वॉट मे यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर लिस्ट ऑल राइट लिस्ट ऑफ सर्विस विच ऑडिटर कैनोट प्रोवाइड विच ऑडिटर कैनोट प्रोवाइड

Ceiling limit, maximum number of companies many except kar This I will take as the last discussion in this particular marathon. All right. Vogna appointment branch auditor, you should know about that. Only then you can understand this ceiling limit of point. But it is extremely important for exams. All right. So if you ask me which disqualifications are sensitive, clause D, clause I, and clause clause G. I repeat, clause D clause I, clause, G. clause D, clause I, and clause G. Clause D, clause I, clause G. You need to dig that. All right. Okay. So, ये आपका टॉपिक ऑफ डिस्कालिफिकेशन आई हेव नॉट डिस्कस जस्ट क्लॉज डी बाकी सब आपका हो गया ऑल राइट कैन आई नाउ मूव टू द टॉपिक ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर प्लीज ऑल राइट वी आर नाउ ऑन द टॉपिक ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर सो चलो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर विल गो लिट इल मोर फास्टर कुछ कुछ जगह पर स्लो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी सबसे पहले तो आपको यह देखना पड़ेगा जस्ट कॉमन सेंस की बात है अगर एक्स लिमिटेड इफ हैव जस्ट रिटर्न एक्स लिमिटेड इज साइल गवर्नमेंट कंपनी आपको अज्यूम करना पड़ेगा इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट एंड एक्स लिमिटेड लिखा है इसका मतलब ये एक पब्लिक कंपनी है एंड अनलिस्टेड है सो आई रिपीट गवर्नमेंट कंपनी उनको बोलना पड़ेगा

फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ गवर्मेंट कंपनी फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ गवर्मेंट कल अपॉइंट विद इन हाउ मनी डेज विदिन फ्रम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कॉम्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विदिन सिक्स डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको पता है अकाउंट एंड ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट एंटीज में सीएजी होते हैं

Conclusion of the first AGM. Conclusion of the first AGM. When it comes to the subsequent auditor, when it comes to the subsequent auditor, okay. Second financial year onwards, you know, first financial, year ho jane ke paad, then second financial or subsequent auditor. CAG will appoint within how many days? Within 180 days from the commencement of financial year. Let me tell you 180 days, 30th September, ko nahi hota, it finishes on 27th September. All right.

एंड समझो कि अगर एग्जिस्टिंग ऑडिटर को भी कंटिन्यू नहीं करना है तो वॉट इफ एग्जिस्टिंग ऑडिटर इज नॉट एबल टू कंटिन्यू फिर सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं देन लिसन टू मी जब भी अपॉइंटमेंट भी में इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है जब सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं देन हम लोग कहते हैं कैशुअल वेकेंसी सर कैशुअल वेकेंसी के बारे में और बताओ अब मेरे मेरी बात ध्यान से सुनो मेरी अपॉइंटमेंट की नोट्स तीन पार्ट में डिवाइडेड है Part one: Appointment of auditor, government company. Part two: Appointment of auditor, non-government company. All right. And then we have very quickly, that is uh, part three: Casual vacancy. So emergency situation, mein death, resignation, unsound unsoundment, removal, whatever it is, or right. disqualification. ये जो भी, भी जो भी कुछ बीच में अचानक से ऑडिटर चला जाता है या सारे ऑप्शन हो जाते हैं वी एकदम लास्ट में होगा, में होगा अपॉइंटमेंट एज ऑफ नाउ आर इन द ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी सो आई होप गवर्नमेंट कंपनी इज वेरी क्लियर आई डोंट थिंक आई शुड गिव मोर टाइम टू दैट ऑरा दिस इज फास्ट रिविजन गोइंग ऑन ओके नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर आपका कैसा अप्रोच होना चाहिए एक बार में फटाफट रिविजन कर लो तो गो थ्रू कर लेने का नोट्स को मॉड्यूल क्वेश्चन देख लेने का दैट शुड बी इनफ यू कैट गिव मोर टाइम देन दैट सेक्शन नंबर सारे बायट करें देखो जितने रत, हो सकते हैं उतने करो या तो एटलीस्ट मेन सेक्शन रेफरेंट करो इफ आर नॉट एबल टू द सब सेक्शन ओके नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी सी आज का जो वन एंड हाफ डेज होता हैसेसराइट यू नीट टू ट्रस्ट योर सेल्फ यू विल भी एबल टू गेट थ्रू दिस ओके अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी नॉन गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर सेक्शन वन थर्टी नाइन सबसे फटाफट अभी मैं रीड नहीं कर रहा हूं डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से थर्टी डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इफ अपॉइंट. विद इन डेज एटेन्ड एक्सट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑलराइट ये जो भी ऑडिटर है वो भी कब तक कंटिन्यू करेगा कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम प्रिंड ओवर इफ यू कैन रीड इट यू कैन रीड इट इफ यूट इट ओके okay. वो तो आपके पास आपके नोट्स में भी होगा लेट अस टॉक अबाउट सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी बेटा दिस इज यू नीड टू गो लिटिल स्लो स्लोटिक्वेंट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी दिस इज यू नीड टू गो लिटिल स्लो सब्सिक्वेंट ऑडिटर सेक्शन वन थर्टी नाइन सबसेक्शन वन ओके नाउ थोड़ा इमेजिन करो प्रैक्टिकली तो ही आपको समझेगा क्वेश्चन से फर्स्ट ऑडिटर

इसलिए अगर आप देखोगे सो दिस इज माई सिंपल नोट्स ये प्रॉपर नोट्स हैं इसके बाद नेक्स्ट पेज से चालू होता है मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर बिकॉज दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन सबसीक्वेंट ऑडिटर जो हम कहते हैं एक बार सेटअप कर लेने तो फिर फटाफट फट ये हो जाएगा बीओडी रेकमेंड्स नेम ऑफ ऑडिटर टू द मेंबर्स ये स्टेप है पूरा ये ऑन Then, एक बार BOD ने रिकमेंडेशन कर दिया हाउ आई एक बार बीओडी ने रिकमेंडेशन कर, 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 we'll कर दिया उसके बाद वॉटिबीजर फाइव इन खत्म हो जाने के बाद वेदर द सेम ऑडिटर कैन बी रीअपॉइंटेड वेदर द सेम ऑडिटर कैन बी रीअपॉइंटेड

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो एक होते ही है अलग से दे वांट ऑडिट कमेटी एंड दैट ऑडिट कमेटी का रोल होता है वो कंपनी ही appoint करती है इट इज अ लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स ऑलराइट एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स लिटरेट प्रोफेशनल्स और वो ऑडिट कमेटी का रोल होता है क्या रोल होता है कि जब भी ऑडिटर भी अपॉइंट हो रहा है तो उसमें रिकमेंडेशन देना क्या देना रिकमेंडेशन बट ऑडिट कमेटी इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज एंड दिस इज वन ऑफ फेवरेट मॉड्यूल क्वेश्चन बी वेरी केयरफुल आई रिपीट बीओडी विल रिकमेंड नेम ऑफ ऑडिटर टू द में अगर बीओडी एक ऐसी करना पड़ता है। अगर बीओडी एक ऐसी ऑडिटर है जहां पर ऑडिट कमेटी नहीं है then in that case, BOD को कोई लंबा प्रोसेस फॉलो नहीं करना है दे हैव टू जस्ट रिकमेंड द नेम ऑफ ऑडिटर टू द मेंबर्स सो स्टूडेंट्स ऑडिट कमेटी का आई रिक्वेस्ट

ओके okay. उसके बाद पता होना चाहिए रोल ऑफ ऑडिट कमेटी क्या है एंड देन ऑडिट कमेटी में कितने मिनिमम मेंबर्स होते हैं मिनिमम मेंबर्स इन ऑडिट कमेटी तीन चीजें पता होनी चाहिए ऑलराइट right? ये हम क्यों सीख रहे हैं बिकॉज़ ऐसी कंपनी जहां पे ऑडिट कमेटी है अलग से देर बीओडी विल हैव टू फर्स्ट कंसल्ट ऑडिट कमेटी एंड देन रेकमेंड द नेम ऑफ ऑडिटर ऑलराइट ये देखो ऐसी कंपनी केस कंपल्सरली रिकमेंडेशन लिया जाएगा ऑडिट कमेटी का ऑलराइट right, अभी एप्लीकेबिलिटी देखो ऑडिट कमेटी का लिस्टेड पब्लिक कंपनीज के लिए मैंडेटरी है प्राइवेट कंपनीज को नॉट एप्लीकेबल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के लिए तीन लिमिट है वन और टू और थ्री

यानी अगर 23, 24 का एप्लीकेबिलिटी देखना है देन विल हैव टू सी द फिगर्स ऑफ 22, 23. सो आई रिपीट लिस्टेड पब्लिक कंपनीज के लिए ऑडिट कमिटीज मैंडेटरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के लिए पेड ऑफ शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल रूपीज टेन करोर देखना पड़ेगा और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के लिए टर्न ओवर देखना पड़ेगा हंड्रेड करोड़ और मोर ग्रेटर देन इक्वल रुपीज हंड्रेड करोड़

पेड अप कैपिटल टेन करोड़ और मोर एलपीटीडी लोन्स बोरेन्स डि डिपॉजिट्स मोर देन रुपीज फिफ्टी करोर एंड टर्न ओवर हंड्रेड करोर और मोर इसमें से कोई एक भी लिमिट अगर हिट हो गया देट केस ऑडिट कमिटीकेबल एंड ऑल ऑफ दिसटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दर फेवरेट क्वेश्चन एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑडिट कमिटी मैंने बोला तीन चीजें बताओ चाहिए रोल ऑफ ऑडि कमिटी एंड मिनिमम मेंबर्स ऑडिट कमेटी का रोल क्या है ओवर हियर ऑडिट ऑडिट कमेटी का रोल है आर 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 फॉर रिकमेंडेशन देना किसके लिए रिकमेंडेशन देना अपॉइंटमेंट रेमेशन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर स्कोप ऑफ ऑडिटर सब चीजों के लिए आर फॉर रिव्यूइंग ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस एंड ऑडिटर इफेक्टिवली काम तो कर रहा है एंड वन मोर आर फॉर रिव्यूइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट सो आर 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 रिकमेंडेशन

minimum members in audit committee. It has minimum three directors. Audit committee, mein there are minimum three directors and independent directors, a directors hote, who do not have a high commercial interest in the company. So minimum three directors and independent directors should be majority. So if there are five directors in audit committee, then in that case, majority, ho gaya three, all right, should be independent directors. If there are three, the majority, ho gaya two, all right, we should be independent directors. Am I clear with this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this can also be one of their favorite part. ऑडिट कमिटी ऑडिट कमिटी ऑडिट कमिटी ओके नाउ लिसन टू मी आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें दो बातें हो सकती है आइधर इन दैट क्वेश्चन ऑडिट एप्लीकेबल है और ऑडिट कमिटी एप्लीकेबल नहीं है इफ ऑडिट कमिटी इज नॉट एप्लीकेबल मत किसके लिए पढ़ रहे हम लोग सबसे कौन ऑडिटर ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी इफ ऑडिट कमिटी इज नॉट एप्लीकेबल देन इन दैट केस सीधा सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल रेकमेंड द नेम ऑफ ऑडिटर टू द मेंबर्स लेकिन अगर ऑडिट कमेटी का सेक्शन एप्लीकेबल है इन दैट केस सबसे पहले चलो ऑडिट कमिटी विल रिकमेंड आप इंग्लिश पढ़ लेना इसका मैं फटाफट वर्किंग दिखा देता हूं सो ऑडिट कमिटी विल रिकमेंड द नेम ऑफ ऑडिटर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सपोज करो कि ऑडिट कमिटी ने रेकमेंड किया है सी ए विराट ऑडेट देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे अग्री और देसअग्री

ऑडिट कमेटी इफ ऑडिट कमेटी अग्रीज तो प्रॉब्लम ही नहीं है ऑडिट कमेटी अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल रहे हैं सीए रोहित 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 ऑडिट कमेटी कहता है फाइनली फाइनली किसका रिकमेंडेशन जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेकमेंड द नेम ऑफ ऑडिटर टू द मेंबर्स Obviously, I am from Mumbai, so Mumbai Indians, all right. So C.A. Rohit, all right.

सर लोन करोड़ और मोर देन करोड़। कंसीडर मोर देन करोड़, करोड़ लॉ में और लैंग्वेज दे कन्फर्मेशन आई होप एवरी वन इज विथ मी ये सर यस सर यस सर ओके एक मिनट लाइन में बने रहिए लाइन में बने रहिए तो फटाफट खत्म हो जाएगा

बट इफ मेंस द रेसोलूशन या तो लास्ट मोमेंट पे एजीएम के ट्वेंटी फोर आवर्स पहले रोहित ने बोला ओ आई एम विड्रॉइंग माई कंसेंट ओ आई विल नॉट बी एबल टू प्लेट सो इफ प्रपोस्ड ऑडिटर एट दी एंड विद्रोज द कंसेंट राइट

सेक्शन वन फोर्टी सब सेक्शन फोर अरे मेंबर्स का चलेगा श्योर यस सर यस सर व्हेन मेंबर्स वांट टू अपॉइंट ऑडिटर ऑफ देयर ओन चॉइस यस यस ऑल रेट एवरी वन ओवर ईयर हम लोग क्या कर रहे क्या कर रहे हैं अपॉइंटमेंट के प्रोविजन से बच्चे इसलिए कंफ्यूज होते हैं बिकॉज उनको लॉजिकली क्लियर नहीं है चीजें है सब ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी में बीओडी विल रिकमेंड द नेम ऑफ ऑडिटर टू मेंबर्स हर रेकमेंडेशन प्रोसेस में किसका मेन रोल होता है ऑडिट कमेटी वेर बीओडीज कंसल्ट ऑडिट कमेटी ऑडिटिमिटी अपप्लीकेबल है कि नहीं है उसके ऊपर पूरा चार्ट है देन अगर एक बार ऑडिटर रिकमेंड हो गया उसके बाद मेंडिटर अरे मेंबर्स ने अपॉइंट नहीं किया वॉट इट इज तो यहां पर सारी पॉसिबिलिटीज है

उसके बाद रीअपॉइंट होगा नहीं होगा of of boss, नहीं. कैसे लिखना है फाइव इन लेटमी प्रूव इट टू यू लेटमी प्रूव इट टू यू फर्स्ट ऑडिटर का टर्म खत्म हुआ फर्स्ट एजीएम में फर्स्ट एजीएम में सबसे क्वार्टर अपॉइंट हुआ ऑलराइट सो ये कंटिन्यू करेगा फर्स्ट से सेकेंड सेकेंड से थर्ड थर्ड से फोर्थ फोर्थ से फिफ्थ फिफ्थ से सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव इट्स मैजिक इट्स मैजिक सो फ्रॉम फर्स्ट एजीएम टू सिक्स एजीएम ऐसा काउंट कर रहे हो

Now, दो बातें हो सकती है आइधर रोटेशन ऑफ ऑडिटर इज एप्लीकेबल टू और इट इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज इन समीज रोटेशन के प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं है प्रॉब्लम अगन एंड अगे फॉर फाइव 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 जहां पर रोटेशन ऑफ ऑडिटर एप्लीकेबल नहीं है जहां पर रोटेशन ऑफ ऑडिटर एप्लीकेबल है देर वहां पर कुछ रेस्ट्रिक्शन है

वो यहां पे नहीं दिया डोरमेंट कंपनी रूल्स में सो so, वन पर्सन कंपनी स्मॉल कंपनी डोरमेंट कंपनी इनको इनको रोटेशन ऑफ ऑडिटर इज जस्ट नॉट एप्लीकेबल आई होप आपने स्मॉल कंपनी का मे ट्वेंटी किया है पेड अप शेयर कैपिटल फोर करोड़ टर्न ओवर फोर्टी करोड़ आई होप यू हे डन दैट यस ओके सो नाउ एवरी वन ओवर वन पर्सन कंपनी स्मॉल कंपनी डोरमेंट कंपनी अच्छा सब लोग इधर ये नो में आंसर करेंगे वन पर्सन कंपनी स्मॉल कंपनी डोरमेंट कंपनी कैन दे अपॉइंट ऑडिटर द सेम ऑडिटर इवन फॉर ट्वेंटी फाइव ईयर थर्टी ईयर ये और नो सर येस और नो सर वन पर्सन कंपनी स्मॉल कंपनी डोरमेंट कंपनी

वेर एवर ये वेरी गुड सम वेरी गुड आंसर रोटेशन ऑफ ऑडिटर इट इज नॉट एप्लीकेबल रियॉइंट रियोपॉइंट रियंट रियंट करते हैं लिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए मैंडेटरी मैंडेटरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए पेड अप शेयर कैपिटल टेन करोड़ और मोर इट इज माई रिक्वेस्ट ऑडिट कमिटी रोटेशन थोड़ा स्लोली के लिए पेड ऑफ शेयर कैपिटल ग्रेटर टेन करोर एंड फ्रॉम बैंक इंस्टीट्यूशन ग्रेटर देन देवल रूपीज फिफ्टी करोड़ प्राइवेट कंपनी के लिए पेड शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल रूपीज फिफ्टी करोड़ और ये सब और है हा? कोई भी एक लिमिट भी फुलफिल हुआ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स ऑडिटर बोरिंग फ्रॉम बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्रेटर देन इक्वल टू रूपीज फिफ्टी करोड़ यहाँ पे देखना बोरिंग्स भी है डिपॉजिट्स भी है पब्लिक डिपॉजिट्स पब्लिक कंपनी ने लिया होता इन प्राइवेट कंपनी विल बी नो पब्लिक डिपॉजिट्स करेक्ट सो लिसन टू मी हाउ यू विल विजिट इन केस ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर पब्लिक कंपनी में अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल टेन करोड़ याद रखो एवरीथिंग एल्स इज करोड़ प्राइवेट कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल फिफ्टी प्राइवेट कंपनी बोरिंग्स फिफ्टी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी बोरिंग ऑल्सो फिफ्टी So pachas pachas 50, 50, 50, 50, 50. All right.

Then again, one term of five. Then again, one term of five. Yes, all of this is possible. All right. So, n number of times that person can be reappointed where rotation of auditor is not applicable. But where rotation of auditor is applicable, where rotation of auditor is applicable, in that case, chalo fada fada bhi. if I'm an individual or proprietor and rotation of auditor is applicable, then I can serve maximum one term of five years, boss. उसके बाद आई कैन नॉट बी री अपॉइंटेड इन द सेम कंपनी फॉर अनदर पीरियड ऑफ फाइव एक वंस द टर्म इज ओवर आई कैन नॉट बी री अपेड फॉर फाइव इयर्स आई हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दैट सेम कंपनी फॉर फाइव इयर आफ्टर दैट मैं फिर से अपॉइंट हो सकता हूँ प्रॉब्लम एट ऑल if i am an audit firm if i am an audit firm and if rotation of auditor is applicable then i can continue for two terms of five consecutive years yani one term of five years then again company can reappoint me for one more term all right so two terms of five consecutive years once that period of two terms of five consecutive years is over then i cannot be reappointed in the same company for a period of five years all right so one term of five consecutive years and either two into five consecutive years is equal to 10 years. बट एक साथ टेन ईयर्स नहीं कर सकते वन टर्म एंड आफ्टर दैट वन मोर टर्म ऑर राइट इन केस ऑफ अ फर्म इन केस ऑफ इंडिविजुअल वन टर्म ऑफ फाइव ईयर्स बट वन थिंग इज कॉमन फर्म हो या इंडिविजुअल वंस योर टर्म इज ओवर यू के नॉट बी रीअपॉइंटेड इन द सेम कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ फाइव ईयर सो इसलिए ये फाइव ईयर को क्या कहा जाता है कूलिंग पीरियड वट इज कूलिंग पीरियड दैट नाउ प्लीज गेट अवे फ्रॉम दैट क्लाइंट एंड कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्लाइंट ऑर राइट फॉर अ पीरियड ऑफ फाइव ईयर्स उसके बाद फिर से आ सकते हो नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल ओके okay, अब रोटेशन ऑफ ऑडिटर में सम स्पेशल एडजस्टमेंट्स जिसका ध्यान रखना पड़ेगा नॉर्मली ये जो स्पेशल एडजस्टमेंट्स है इंटरसी लेवल बट इफ दे वॉन्ट टू कम आउट पेपर दे कैन डू इट तो मैं फटाफट जा रहा हूं इफ देर इज अ ब्रेक अरे बॉस अगर आप इंडिविजुअल हो वन टर्म ऑफ फाइव ईयरस है ना इन दिस टर्म बीच में कहीं भी, भी ब्रेक लेते हो यानी कि यू रिजाइन और यू आर रिमूव और यू आर आफ्टर टू इयर्स यू टूक ब्रेक यू वेंट अवे फ्रॉम दैट कंपनी और कंपनी रिमूव यू तो बात खत्म यू कैनॉट बी रीअपॉइंटेड फॉर अदर फाइव इयर्स सो ड्यूरिंग द टर्म इफ यू टेक अ ब्रेक दैट ब्रेक विल बी काउंटेड एस अ ब्रेक ऑफ फाइव ईयर्स ओनली यू हैव टू टेक अफ फाइव इंस बॉस यू हैव टू लीव द कंपनी

Listen to me very carefully because this is practical. If ABC firm is the auditor of X Limited and CAA is the engagement partner, he is acting and signing on behalf of the firm, and ABC firm's term expires, then in that case, case number one.

so pbu firm is not eligible why because there is a common partner common partner coibireneto

बॉस भले इनकमिंग ऑडिटर भले इनकम इज नॉट है ना बोथरक नीबी पी क्यू आर फॉर्म पी क्यू आर फॉर्म इज ऑल्सो नॉट एलिजिबल फॉर अ पीरियड ऑफ फाइव इू आर फॉर्म इज ऑल्सो नॉट एलिजिबल वाय बिकॉज देर इज अ कॉमन नेटवर्क कॉमन नेटवर्कमी दो चीज बताई इनकमिंग ऑडिटर है सेम नेटवर्क देन ऑल्सो इन दैट केस इनकमिंग ऑडिटर इज नॉट एलिजिबल बट लेटस से दैट थर्ड एग्जाम्पल ये ट्रिकी है लेटस से सी ए ए रिजाइन सी ए कौन था एंगेजमेंट पार्टनर था एबीसी फॉर्म का रिजाइन फ्रॉम ए बी सी फर्म एंड जॉइंस दिस एल एम ए फर्म कैन इट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ एक्स लिमिटेड कैन एल एम ए फर्म बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ एक्स लिमिटेड आंसर इज नो वाई क्या ये दोनों में कॉमन पार्टनर है नहीं 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 कॉमन पार्टनर नहीं है कॉमन पार्टनर नहीं है वाई आप देखो दैट द पर्सन एज रिजाइन फ्रॉम एबीसी एंड सो इज नो कॉमन पार्टनर कॉमन नेटवर्क है नहीं कॉमन नेटवर्क भी नहीं है ऐसा कुछ बोला ही नहीं देन वाई नॉट अलाउड बिकॉज लॉ हैज स्पेसिफिकली सेड दैट इफ एंगेजमेंट पार्टनर रिजाइन्स एंड ज्वाइंस इनकमिंग ऑडिटर

Between incoming auditor, outgoing auditor, incoming auditor is ineligible. All right.

Uh, एक इंटरनल रोटेशन ऑफ पार्टनर्स हो सकता है इफ अ कंपनी पास अ रेजोल्यूशन। आई रिपीट इंटरनल रोटेशन ऑफ पार्टनर्स हो सकता है ऑडिटर ऑफ एक्स लिमिटेड फर्स्ट इंगेज पार्ट है सेकेंड में ए थर्ड में ए नो लेटर से मेम्बर्स पास अ रेजोल्यूशन वी वॉन्ट इंटरनल रोटेशन ऑफ पार्टनर्स देन फोर्थ में बी फिफ्थ okay, में बी ऐसा हो सकता है बट दैट विल डिपेंड इफ द मेंबर्स वॉन्ट अ रेजोल्यूशन तो ही होगा अदरवाइज द सेम पार्टनर कैन ऑल्सो कंटिन्यू बट लेटम एक जबरदस्त एडजस्टमेंट है फॉर इंटरनल रोटेशन ऑफ पार्टनर लेवल इग्नोर बिकॉज ऑफिशियलीवन आपके सिलेबस मेंन ओवर ईयर लिसन टू मीफ एबीसी फर्म इज ऑडिटर ऑफ एक्स लिमिटेड

why because of sqc1 all right it says that compulsorily in case of a firm all right for all audit of financial statements of a listed entities there has to be a rotation of engagement partner after a specified period which should normally not be more than 7 years all right

अब ये एक पूरा नोट है आई विल गो वेरी फास्ट विद दिस नोट बिकॉज दिस नोट हैज नो इंपॉर्टेंस बट मॉड्यूल में प्रिंटेड है सो आई नॉट इग्नोर इट ऑल राइट ओके पहली बार जब रोटेशन ऑफ ऑडिटर आया था फाइनेंशियल फोर्टीन फिफ्टी ऑनवर्ड्स आया कंपनीज एक्ट पूरा कब से आया फाइनेशियर फोर्टीन फिफ्टी ऑनवर्ड्स एंड कंपनीज एक्ट के पहले देर वॉज नो सच प्रोविजन ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट लोग ट्वेंटी थर्टी से ऑडिट रहे थे तो ये सबको जस्ट टू गेट एडजस्टेडेस ट्रांजिशन पीरियड दिया था इस कावरी वन ओवर ईयर पीरियड सर्ड ऐसा क्वेश्चन हो सकता है पीरियड सर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कंपनीटर ने सर्व किया है

I hope that you are clear with rotation of auditor. Basic applicability you should not forget. And second, if rotation of auditor is applicable, then jo individual auditor I can do, can serve a term of one term of five years. And jo partnership firm made two terms of five consecutive years each. Once the term is over, then the same auditor cannot be reappointed in the same company for a period of five years. And if rotation of auditor is not applicable at all, then the same auditor can be appointed n number of times for terms of five years each.

Now, let us talk about emergency situations. All right. That is casual vacancy, casual vacancy, death, resignation, unsound minds, all right. Death, resignation, unsound mind, disqualification. Yes, sir. Casual vacancy. Okay. Now, everyone over here, if there is a casual vacancy in a government company, then it will be filled up by CAG or a casual vacancy. It is one of their favorite huh, for exams. Okay.

इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी एवरी वन गो स्लो इनकेस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना पड़ेगा वेदर द कैजुअल वेकेंसी इज ड्यू टू रेजिग्नेशन की कैजुअल वेकेंसी इज ड्यू टू अदर रीजन

उट नहीं मतलब यू कैन आज बट आई विल नॉट बी एबल टू सोलन आई नो आपके मॉड्यूल में कितने क्वेश्चन मोर ऑराइट ओके सो एवरी वन ओवर सच ऑडिटर शेल होल्डिस नेक्स्ट एच याउ लिसन टू मी वन ऑफ देर फेवरेट रेजिग्नेशन केस में whether you're auditor of a government company or non-government company, what I'm going to say now remains common for all the auditors. In case of resignation, I repeat, in case of resignation, auditor, it was favorite term. Auditor has to submit form ADT three, all right. to whom to the company to the ROC,

न मिनिमम फाइन क्या होगा आपके ऊपर मिनिमम फाइन विल भी रुपीज फिफ्टी थाउजेंड और ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन विच एवर इज लेस सो इफ ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन इज थर्टी थाउजेंड देन मिनिमम थर्टी थाउजेंड प्लस रुपीज फाइव हंड्रेड पर डे फॉर ईच डे ऑफ फेलियर

के पास यहाँ पे फाइव लैक्स हो तो प्लीज अपडेट कर देना पार्ट आई होप यू आर क्लियर विद ओके चलो वेरी गुड नाउ लिसन टू मी योर कैजुअल वेकेंसी डिस्कशन इज ऑल्सो ओवर

गवर्नमेंट कंपनी फर्स्ट ऑडिटर सबसिक्वेंट ऑडिटर फर्स्ट ऑडिटर सबसिक्वेंट ऑडिटर तो यही याद ओके क्वेश्चन टू बी आंसर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर टेल मी सारे ऑडिटर्स फर्स्ट ऑडिटर सबसे कहां जवाब मिल गया ये

139.5 सबसिक्वेंट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी तो पहले सब सबसिक्वेंट ऑडिटर को लेके फर्स्ट नॉन गवर्नमेंट देन गवर्नमेंट अब है फर्स्ट ऑडिटर को लेके प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज अ गुड सीक्वेंस फर्स्ट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी देन फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी एंड देन इनमें से कोई भी डेथ हो सकता है अनसाउंड माइंड डिस्कॉलीफिकेशन रेजिग्नेशन थर्टी इंपॉर्टेंट रेफरेंस कैजुअल कहीं पर डिस्कस किया वन थर्टी नाइन इलेवन हमने बोला ना बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स शुड कंसल्ट ऑडिट कमिटी अंडर सेक्शन वन सेवेंटी सेवन यस थर्टी नाइन सबसेक्शन टेन कहा आया अरे सर इफ नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड एट ए जी एम देन एग्जिस्टिंग ऑडिटर कंटिन्यू हा सर हाँ सर हाँ सर हाँ सर यहाँ पे आया ओके शन नाइन दिस वॉज नॉट डिस्कस्ड एट ऑल इन माइ मैराट इज वन थर्टी नाइन सबसे जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर होता है जिसको हम लोग टेक्निकली रिटायरिंग ऑडिटर बोलते हैं एग्जिस्टिंग ऑडिटर वो रीअपॉइंट कब हो सकता है कैन बी रीअपॉइंटेड इफ

एंड फोर्थ अभी बताऊंगा रिमूवल ऑफ ऑडिटर के लिए ना मेंबर्स हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन द एजीएम सो अगर मेंबर्स ने ऐसा कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं किया एट द एजीएम देन यू कैन बी रीअपॉइंटेड सो फोर्थ मेंबर्स हैव नॉट पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग फॉर अपॉइंटिंग अनदर ऑडिटर लेटेस्ट से रिमूविंग एग्जिस्टिंग ऑडिटर टर्म के पहले अगर एक्जिस्टिंग ऑडिटर को निकालना हो देव टू पास ऑल ऑफ दीज फोर कंडीशनफिल्ड ओनलीरिंग ऑर द एक्सिस्टिंग ऑडिटर कैन बी रीअपॉइंटेड दिस इज अड्यूल क्वेश्चन कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड बोला तो इसका उल्टा कर दो Yes. Okay. So that was section 139, subsection 9. So listen to me. Now we can say it with confidence ki 139, one silicate, 11, full list is in front of my eyes. All right. And we have covered it. All right. So please ensure that you are revising this ASAP. Yeah. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Okay. Government company, non government company. Okay. And then we went ahead. Casual vacancy and all of that. Chalo, for, 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 for. Let us move ahead. Now we are on the discussion of a bit of what should I will finish it off? All right. Now we are on the discussion of remuneration of auditor. Okay. A remuneration of auditor. I will not take more than one minute. 142 subsection 1. Who will fix the remuneration? In case of it will be fixed by members in the general meeting, only in case of first auditor, board of directors. So, general rule members in the general meeting. First auditor, board of directors. Members in the general meeting, general rule first auditor, it will be board of directors. Oh, government company, non government company, for everyone, this is the same. Huh? 142 subsection 1.

डिरेक्टर्स दे आर नॉट है ऑडिटर दे वॉन्ट टू रिमूव द ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म पहले इसको खत्म कर देते हैं देन इन दैट केस फर्स्ट डिरेक्टर्स नीड टू पास अ बोर्ड रेजोल्यूशन दैट मीनस मेजोरिटी ऑफ द डिटर्स नीड टू टेक द डिसीजन इन द बोर्ड मीटिंग Then they need to make an application to the central government within 30 days. All right. Or the application in form ADT2. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So directors will pass board resolution. Then they will make an application to the central government, form ADT2 within 30 days. And after central government approval, mil gaya, only then, only after receiving central government approval, they will have to hold general meeting within 60 days.

auditors independence against intimidation threat. Chotta bacha jaan ke humko na samjana re. all right. so if you try to scare the auditor, then in that case, auditor is going to say, just ja, central government approve. Agar le yes, 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 sir. okay. now, everyone, that is removal of auditor before expiry of the term. ओके बट टू मी सेक्शन 140 फोर्टी सब सेक्शन फोर डिरेक्टर का ऑडिटर चोर सेक्शन 140 फोर्टी सबसेक्शन फोर सेक्शन 140 फोर्टी सबसेक्शन फोर एग्जिस्टिंग ऑडिटर चोर section 140 subsection 4 are members machayenge show sure. all right that means members want to appoint auditor of their own choice then that will be section 140 subsection 4 and subsection yaad 140 mein auditor kare potty. because he is being asked to remove, to leave the company all right sorry for this but please remember all right so 140 subsection 4 appointment of an auditor other than retiring auditor मेंबर्स डोट इंटेंट टू कंटिन्यू विथ एग्जिस्टिंग ऑडिटर तुम वॉच की तरफ मत देखो मैं देख रहा हूं इससे ज्यादा स्पीड क्या तो स्लिप हो जाएंगे ऑनलाइन सो मेंबर्स डो नॉट इंटेंट टू कंटिन्यू विथ द एग्जिस्टिंग ऑडिटर

इन दैट केस सबसे पहले में you know जिसका वन परसेंटेज ऑफ वोटिंग पावर है और शेयर वैल्यू ऑफ एटलीस्ट रुपीज फाइव लैक्स विच एवर इज लोअर दोनों में से कुछ एक तो होना चाहिए आपके पास अच्छा देर आर फाइव परसेंटेज वोटिंग पावर पांचों एक साथ आते हैं साइन करते हैं स्पेशल नोटिस दिस नीड्स टू बी गिवेन एटलीस्ट फोर्टीन डेज बिफोर द मीटिंग एटलीस्ट फोर्टीन डेज बिफोर द एजीएम एकदम लॉ वाला प्रोविजन नहीं बना रहा पर बेसिक बेसिक बता रहा हूं ये स्पेशल नोटिस के अंदर मेंबर्स को क्या बोलना पड़ेगा लिसन टू मी वेरी वेरी सेक्शन 140 में दिस फर्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके बाद यू कैन राइट योर ओन इंग्लिश योर ओन जनरल मीटिंग अरे पर स्पेशल नोटिस में क्या बोलना चाहते हैं पर्सन अदर देन द एग्जिस्टिंग ऑडिटर सेंस अब जो मैं बोलने वाला हूं कॉमन सेंस लेटर से मेंबर्स ने स्पेशल नोटिस दिया डायरेक्टर्स ने स्माइली भेजा स्माइली इनोसेंट मेंबर्स एनीवेज ऑडिटर का टर्म खत्म हो रहा है <laughs> एज पर रोटेशन ऑफ ऑडिटर एनीवेज उसका स्पेशल नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड एक्सेप्टे रिटायरिंग ऑडिटर इज एनी टू कंप्लीट इज फाइव इन और टेन इन एज गि इन रोटेशन ऑफ ऑडिटर

ऑडिटर इज ट्राइंग टू इस राइट इन दैट केस अगर कंपनी को ग्रीवियंस है कि ऑडिटर अपने राइट का गलत फायदा उठा रहा है ऑडिटर मे डिरेक्ट दैट कि भाई ये जो ऑडिटर के रिप्रेजेंटेश सर्कुलेट मत करो

एनी वेज एजीएम में जो डिस्कशन होते हैं हो, आरओसी के पास फाइल करना होता है अभी ये सर्कुलेट ही नहीं किया तो एजीएम में रीड रीड नहीं हुआ आई मीन सॉरी सर्कुलेट नहीं हुआ

यार अगर आपको एफर्ट अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्त में जरा सर्कुलेट करो दैट यू हैव टू सी दिस वीडियो सो दैट कंपनी ऑडिट का आपका खत्म हो जाएगा ऑलराइट right? मैं कंटिन्यू रख रहा हूँ एडवर्टाइज अच्छा कर रहा हूँ वो आप कर देना तो सेक्शन वन फोर्टी रिमूवल ऑफ ऑडिटर वन ऑफ द टर्म नेक्स्ट वन फोर्टी सेक्शन फोर अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर राइट एंड देन वन फोर्टी सबसे

चलो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं हूं मैं शेयर होल्डर हूं डायरेक्टर हूँ आई डोंट हैव द मेजॉरिटी बट आई नो दैट ऑडिटर इन फ्रॉडुलेंट दैटर इंक्वायरी आपको पता है एनसीएलटी इज द जुडिशियल बॉडी लॉ मैटर इफ इट इज सेटिस और इनडिरेक्टली एक्टेड इन मैन बेसिकली फ्रॉड में सपोर्ट किया है ऑडिटर न्यू अबाउट द फ्रॉड एंड वॉज साइलेंट और हीज सपोर्टेड इट सो बेसिकली डिरेक्टली और इनडाइरेक्टली ऑडिटर एज एक्टेड इन मैनर इफ एनसीएल को यह सेटिस्फाई हो जाता है डिरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स ऑडिटर्स एनसीएलटी विल डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स ऑडिटर्स यस उसके बाद क्या होगा द आउट गोइंग ऑडिटर के ऊपर क्या एक्शन आएगा आई एम गोइंग फास्ट ओवर आउट गोइंग ऑडिटर चाहे फर्म हो प्रोपरेटर हो विल बी बैंड फॉर अ पीरियड ऑफ फाइव इयर्स अगर कोर्ट हैज कन्विक्टेड फॉर फ्रॉड बैंड फॉर टेन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन but if nclt has given the order to change the auditor because auditor acted in fraudulent manner, then banned for five years. because nclt technically, although acts like judicial body, but it is not a court. remember this point. all right. so nclt nagar ban then period of five years from the date of passing the audit. and auditor services so that will depend upon what is the ics decision. but in companies that audit of financial statement to for

ओके okay. ये 140 फोर्टी सबसेक्शन फाइव कैसे शुरू हुआ ने एनसीएल ऑन इट्स ओन गया या तो कोई पर्सन ने एप्लीकेशन किया या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन किया नाउ लिसन टू मी यहां पे क्लैरिटी है इफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन एन एप्लीकेशन टू एनसीएलटी देन ये एमसीक्यू में गड़बड़ हो जाएगा बी केयरफुल देन एनसीएलटी हैज टू पास ऑर्डर within 15 days all right and if NCIT is satisfied and Unone said that boss change the auditor then in that case central government will appoint new auditor so I repeat

यस सर यस सर यस सर यस सर ओके तो ये हो गया आपका सेक्शन 140 फोर्टी सब सेक्शन वन ऑनराइट वेर डिरेक्टर्स कैन रिमूव बट बहुत बड़ा प्रोसीजर है एट दी एंड ऑफ मेंबर रेजोल्यूशन लगता ही है 140 subsection 4 where members start the removal process all right and 140 subsection 5 nclt says high five 140 subsection 5 nclt says banned for five years all right that is how you can remember and 140 is nothing but the reference for removal of auditor yes sir yes sir yes sir okay of yahansaju inter ka student here राइट रिमूवल right. तक तो बराबर जाता है कितना कितना कियाके right. तो right. बाद जो इंटरेस्ट एक स्टूडेंट है थोड़ा वीक हो जाता है इन राइट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर सो लेट एस बी वेरी क्लियर अबाउट इट ओके राइट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर वेरी क्विकली विल गो विद

फ योर फीस इज नॉट पेड आई रिपीट इफ योर फीस इज नॉट पेड एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप क्लाइंट की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिटेन कर सकते हो However, as per section 128 of companies act, books of accounts must be maintained at the premises of the company. So, equation number one, as per Indian Contract Act, I can exercise my right to lean on the books of accounts. Equation number two, as per section 128, company law says books of accounts of the company must be maintained at the premises of the company. And that is why considering equation one and two, although legally I have a right to retain the accounts, however, I cannot exercise it because of section 128, exercise, because 128 says that books of accounts of the company must be maintained at the premises.

यानी ऑडिटर इज नॉट सेटिस्फाइड अगर ऑडिटर के नेगेटिव मार्क्स हैं तो ही ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जाएगा ये ये सेक्शन में लिखा है पॉस एक और सेक्शन आएगा 143 फोर्टी थ्री सबसेक्शन थ्री ड्यूटी टू रिपोर्ट अपॉन सर्टन मैटर्स इसमें क्या है पता है ऑडिटर मस्ट कमेंट अपॉन ऑल मैटर्स इन ऑडिट रिपोर्ट चाहे कोई भी कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर मस्ट कमेंट अपऑन ऑल मैटर्स इन ऑडिट रिपोर्ट ऑल राइट अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं सेक्शन वन फोर्टी थ्री सबसेक्शन वन

सिक्योरिटी लिया है इज इट प्रिजुडिशियल इज इट कॉम्प्रोमाइज्ड इज इट अगेंस्ट इज इट बायस्ड इज इट पार्शियल अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और इट्स मेंबर्स सो ए फॉर एडवांसेस बी फॉर बुक एंट्रीज कि जो भी कंपनी ने बुक एंट्रीज पास किए बेटा बुक एंट्रीज यानी एडजस्टमेंट एंट्रीज है

ई नॉट एप्लीकेबल लिस बिकॉज क्लॉस सी में आपको रिपोर्ट करना है वेदर दर इज अ लॉस ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज तो डिरेक्टर्स ने जो परचेस किया फिर सेल किया उसमें लॉस हुआ है क्या यार इन इन इन्वेस्टमेंट कंपनी बैंकिंग कंपनी रेगुलर बात है ये अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोचिंग क्लास कंपनी इफ देक्रॉम इन देश मार्केट इज रॉन्ग दैट इज नॉटने का लॉस ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज भले ये पूरा इंग्लिश याद न रहे मेन याद रहना चाहिए

But I will tell you which ones they have already asked in exam. Right? Yeah G, yeah, I. G I. All right. And kabhi, kabhi rarely A. Otherwise, we'll go fast. Let me tell you section 143, subsection three, duty to report upon certain matters. Mein. Uh, clause A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, and under J also, there are some points. All right.

Uh, example let us say company has given loan of rupees 100 crore all right and which is there is no documentation for this and stuff and company has taken loan for giving a loan <laughs> then this is the financial transaction which can have a very bad effect on functioning of the company all right clause g Auditor, G for गंदा दिरेक्टर, गिल्टी डिटर इज देन एनी डिरेक्टर हुक्फाइड डिटर डिस्कालीफिकेशन आप स्टडी करते हो फाइनल लेवल पर यहाँ पे सिर्फ पूछा जा रहा है ऑडिटर इज देन एनी डिटर हुफाइड फ्रॉम बिंग अपॉइंटेड एस ए डिटर अंडर सबसे डिस्टर डिस्कालीफाइड है तो रिपोर्ट करो नहीं है तो भी रिपोर्ट करो

इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का मेरा चैप्टर का रिविजन स्टैंडर्स के साथ करना है, है, right? तो, है? जितने भी अकाउंटिंग कंट्रोल्स है विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदरुएट एंड ऑपरेटिंग इफेटिवलीट अब इसका एप्लीकेबिलिटी जो है वो इधर दिया है कि किसको किसको एप्लीकेबल नहीं है इट शाल नॉट अपलाई टू वन परसेंट कंपनी स्मॉल कंपनी चलो ये करा देखो तो. They are or not, okay. अब ये आपको करना है इफ यू आर कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ अंपनी अदर देन यानी कि ये सारी कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है सो इट इज नॉट एप्लीकेबल टू अ वन पर्सन कंपनी इट इज नॉट एप्लीकेबल टू अल कंपनी

From banks, finance institution, or any body corporate right, is less than rupees 25 crores. Oh 2550 turnover, Achha, borrowings turnover. Both the conditions should be fulfilled.

Clause J में इधर जाना ही पड़ेगा right. आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऑडिटर इज देयर एनी पेंडिंग लिटिगेशन ऑन द कंपनी उसका डिस्क्लोज तो किया है ना इंपैक्ट नोट्स टू अकाउंट्स में सो वन पॉइंट ऑन पेंडिंग लिटिगेशंस एल फॉर लिटिगेशंस कंपनी ने प्रोविजन तो बनाया ना जहां जहां बनाने चाहिए थे प्रोविजन एज रिक्वायर्ड बाई लॉर एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छा ये पता है ना आपको इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड ऑफ द कंपनी कोई एग्जाम्पल दे सकते हो सर अनक्लेम्ड डिविडेंड फॉर मोर देन सेवन ईयर्स इज ट्रांसफर्ड टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड या बट अगर फिर भी ट्रांसफर ना किया हो तो

ये पॉइंट नंबर फोर एंड पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर फोर में सब पॉइंट वन सब पॉइंट टू सब पॉइंट थ्री ये आपको ये नए पॉइंट्स आए थे कंपनी समय में ट्वेंटी ट्वेंटी में सो दिस दिस इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन हॉट फेवरेट फॉर एटलीस्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ऑलराइट सो प्लीज बी केयरफुल सो ये पॉइंट्स आए थे जस्ट टू आस्क टू ऑडिटर तू जिस क्लाइंट का ऑडिट कर रहा है ज देर एनी मनी लॉन्ड्रिंग ओवर देयर बट गवर्नमेंट का एक अपना ही स्टाइल है पूछने का सो दट इज वाई बिकम वेरी टेक्निकल इफ यू रीड इट बिकम वेरी वेरी टेक्निकल वो बच्चे पढ़ के छोड़ देते हैं वॉट इज दिस ओके सो स्टूडेंट लिसन टू मी तो ही समझेगा इफ यू आर कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ एक्स लिमिटेड अब फर्स्ट डायग्राम बताता हूं लेट से दैट एक्स लिमिटेड हैज ट्रांसफर्ड मनी टू वाई एंड वाई के साथ उसका एक सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग है दैट वाई विल ट्रांसफर मनी टू जेड वाई so क्या करेगा टू लेंडर ऑफ जेड अरे मेरे को अगर आप तक पैसा पहुंचाना है तो या तो मैं आपको लोन दे दूंगा या तो आई विल्स इन योर कंपनी और या तो आपके लेंडर को आई विल गिव गो लिशन टू मी एक्स लिमिटेड इज अक्स लिमिटेड एक्स लिमिटेड इज द कंपनी एंड वाई वाई इज द इंटरमीडियरी एंड एक्स पहुंचाना चाहता है बेनिफिट जेड को तो जेड है अल्टीमेट बेनिफिशियरी यह है कंपनी इंटरमीडियरी अल्टीमेट बेनिफिशियरी

ये थोड़ा टूटा फूटा इंग्लिश में लिख दो चलेगा बिकॉज उनका इंग्लिश बहुत टेक्निकल है नॉट एबल टू राइट इट वर्ड बाई वर्ड राइट बट ये नॉलेज होना चाहिए कि ऐसा कुछ ऑडिटर को रिपोर्ट करना है, me, अगर ये में है तो होगा इनकाउंट इसलिए मैंने सीक्रेट वर्ड यूज किया वेन इज नॉट डिस्कलोज इन द अकाउंट्स तो ऑडिटर का ड्यूटी क्या है पता है मैनेजमेंट से मैनेजमेंट से एक डिक्लेरेशन लेना है

बट आई वॉन्ट अ कंफर्मेशन ये समझा ये कंपनी ये इंटरमीडियट अल्टीमेट बेनिफिशिय ओके येस ये आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू राइट इट इन हंड्रेड परसेंट टेक्निकल इंग्लिश ओके दैट इज ओके नॉट अ प्रॉब्लम ओके फाइन नाउ सेकेंड पॉइंट में घुमा दो थोड़ा लेटर से पी पीज ट्रांसफर्ड फंड्स एक्स लिमिटेड अपनी एक्स को नहीं भूलने का आप उसका ऑडिट कर रहे ओके एंड एक्स लिमिटेड इज गोइंग टू गिव बेनिफिट क्यू सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग दैट एक्स विल ट्रांसफर टू क्यू अब सुनो इसमें पी है पी से पैसा आ रहा तो है देखो एक्स लिमिटेड तो कंपनी है उसका नाम चेंज मत करो इंटरमीडिएट मत बोलो इट इज पी से पैसा आ रहा है सो पी इज पार्टी इन फर्स्ट एग्जाम्पल योर कंपनी अल्टीमेट बेनिफिशियस सर यस सर यस सर ऑलराइड लिसन टू मी वेरी केयरफुली ये देखो नो फंड रिसीव बाई द कंपनी from any person or person entities including foreign entities basically from the funding party with understanding that these funds will be transferred you not know, to the ultimate beneficiary on behalf of the funding party all right so you can write it in a little bit broken english that is okay not a problem at all all right और जैसे कि एक्सपेक्टेड था जैसे राइट्स एंड ड्यूटीज में कुछ बच्चों ने लॉग आउट कर दिया है और अपने हिसाब से कर रहे हैं तो है, कुछ कुछ है, right? okay. तो थोड़ा बहुत टूटा फूटा इंग्लिश में कर लो दैट इज फाइन नॉट प्रॉब्लम एट ऑल ओके आई थिंक लेटर ऑन बिकॉज सब लोग वीडियोस में क्या कर रहे हैं बेसिक बेसिक पढ़ा के ना उल्लू बना एवरीवन ओवर क्स्ट सेक्शन थ्रीन ड्यूटी हैवर्नमेंट वॉन्ट्स ऑडिटर टू रिपोर्ट इन दैट केस वो कुछ एक ऑर्डर निकालेगा जिसके ऊपर ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा ये वन फोर्टी थ्री सबसे मदर ऑफ कारो ट्वेंटी ट्वेंटी कारो ट्वेंटी ट्वेंटी का जो जन्म हुआ ना वो यहाँ से हुआ

then next duty to inquire upon certain matters there are six matters upon which auditor needs to conduct an inquiry wo inquiry karne ke baad kuch negative mila to report karna hai very very important important section all right one further the subsection 3 duty to report upon certain matters a b c d e f g h i j and j ke andar pura gaav hai all right so uh, those points were given over there all right okay सर ये जे में पॉइंट नंबर फाइव क्या है कुछ नहीं है बेटा डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो बराबर किया है कि नहीं किया और रीड कर लो खाली सिक्स यू हैव टू इग्नोर वो निकाल दिया all right. सो so, प्लीज एक बार खाली इसका रीडिंग कर लोगे तो भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है चलो सर लेट एस मूव एड लेट एस मूव एड बस खत्म हो ही रहा है खत्म हो रहा है

एक इंपॉर्टेंट चीज था यहां पे इन ड्यूटी टू साइन ऑडिट रिपोर्ट नाउ दिस इज वन ऑफ देयर फेवरेट 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 अटेंडिंग जनरल मीटिंग सेक्शन 146 राइट एज वेल एज ड्यूटी टू अटेंड जनरल मीटिंग नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुल ऑलराइट ऑडिटर का राइट क्या है एंड ऑडिटर की ड्यूटी क्या है फटाफट ऑडिटर का राइट क्या है ऑडिटराइज आर राइट टू रिसीव नोटिस जितना भी जनरल मीटिंग रिलेटेड नोटिस है उसका कॉपी ऑडिटराइजर राइट टू बी हर्ड एट जनरल मीटिंग बट कुछ भी जाके बोलने का ना है ऑडिट रिलेटेड मैटर्स फॉर विच मैटर्स फॉर ऑडिट रिलेटेड मैटर्स ऑडिटराइज आर राइट टू बी हर्ड एट द जनरल मीटिंग ये राइट हो गए ऑडिटर की ड्यूटी क्या है ऑडिटर एज अ ड्यूटी टू अटेंड जनरल मीटिंग अरे बेटा नॉट ओनली एनुअल जनरल मीटिंग बट ऑल टाइप्स ऑफ जनरल मीटिंग यानी मीटिंग ऑफ मेंबर्स जितनी भी मेंबर्स की मीटिंग हो रही है ऑडिटर शुड अटेंड जनरल मीटिंग अनलेस कंपनी अगर कंपनी एग्जाम कर देता है तो ठीक है right? अलाउ करते हैं टू स्किप इट इज फाइन

ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी फेवरेट ऑफ द आई सी अब आ रहा है सबका फेवरेट राइट फ्रॉड रिपोर्टिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन वन फोर्टी 12 ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टूडेंट ओवर हियर ये तो आपको कंपल्सरी करके जाना ही है बिकॉज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड चलो फटाफट फटाफट

I said 143 subsection 12 is not applicable. मैंने ये नहीं बोला कि ये fraud को audit report में report मत करो. But duty to report fraud to the central government is not applicable if the fraud has been done by third party. Suppose supplier उल्लू बना गया, customer उल्लू बना गया, all of that is not covered in 143 subsection 12. So अगर fraud कोई third party वगैरह ने किया है, all types of fraud are reported in Karo 2020. वो बाद में होने वाला है. All मतलब वो videos तो है app पे मेरे. All types of fraud are reported.

तो वन करोड़ और मोर का अमाउंट रहेगा तो ही आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है अदरवाइज यू आर नॉट सपोज टू रिपोर्ट इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि अगर लेस देन वन करोड़ रहेगा तो क्या करना है पहले लेस देन वन करोड़ बता देता हूं अगर लेस देन वन करोड़ का फ्रॉड रहेगा देन इन दैट केस सेंट्रल गवर्नमेंट तक नहीं जाएगा यू हैव टू रिपोर्ट नेचर ऑफ द फ्रॉड अमाउंट इन्वॉल्व पार्टीज इनवॉल्ड नैप

Your RO, आपके रिप्लाई ऑब्जर्वेश प्रोवाइड कर दीजिए अच्छा यू विल मैक्सिम फोर्टी फाइव डेज सर टू प्लस नहीं फोर्टी फाइव डेज फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द फ्रॉड मैक्सिमम फोर्टी फिफ्थ डे तक वेट करोगे अगर ये फोर्टी फाइव डेज के अंदर अंदर अगर आर ओ रिप्लाई ऑब्जर्वेशन आ गए फ्रॉम द ऑडिट कमिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देन इन दैट केस आप सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर दोगे विद इन फिफ्टीन डेज यानी समझो अगर यहां पे रिप्लाई ऑब्जर्वेशन आ गया ट्वेंटी डे पे तो नेक्स्ट फिफ्टीन डेज में प्लीज रिपोर्ट इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बट मैक्सिमम यू विल मैक्म फ्रामी फिफ्थ डे फ्रॉम द द नॉलेज ऑफ फ्रॉड डे तक वेट करने पर देर इज नो रिप्लाई ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ऑडिट कमिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कोई भी रिप्लाई ऑब्जर्वेशन नहीं है इन दैट केस वॉट आर यू गोइंग टू डू इन दैट केस वॉट आर यू गोइंग टू डू देन इन दैट केस स्ट्रेट अवे यू विल इन्फॉर्म द सेंट्रल गवर्नमेंट नेक्स्ट डे तुरंत आप इन्फॉर्म कर दोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑलराइट right, की हमारी फाइन

अगर कॉस्ट ऑडिटर एंड ऑडिटर ने रिपोर्ट कर दिया yes. इसमें कुछ आप फेलियर हो जाते हो देर इज अ पेनल्टी ये पेनल्टी भी रिवाइज हुई थी बट काफी टाइम पहले हो गई थी इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी इट विल गो टू फाइव लैख रुपीज एंड इन केस ऑफ अदर्स इट विल स्टेट इन वन लैक

अगर फॉरेन ब्रांच है देन इन दैट केस देन इन दैट केस जो वो कंट्री बोलेगा वो दैट पर्सन विल बी द ऑडिटर इफ द लॉ शू साइलेंट देन इन दैट केस देन इन दैट केस आइदर कंपनी ऑडिटर या तो कोई प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को देकेट राइट सो हु कैन कंडक्ट आइदर द कंपनी ऑडिटर और एनी अदर एलिजिबल पर्सन कौन सा एलिजिबल पर्सन शाहरुख खान नो नो सेक्शन 141 अरे फर्स्ट पढ़ा ना सब सब सेक्शन सेक्शन प्रैक्टिस प्रैक्टिस इंडिया लेकिन अगर फॉरेन ब्रांच है तो एज पर लॉज ऑफ सच कंट्री समझो कि अगर लॉज साइलेंट है तो अरे लॉज साइलेंट है तो आइदर कंपनी ऑडिटर और अदर एलिजिबल पर्सन ऐसे पढ़ पर सकते हैं नेक्स्ट <coughs> ऑफ अपॉइंटमेंट अरे बैनर ऑफ अपॉइंटमेंट विल रिमेन द सेम एज पर सेक्शन 139 139 में जो भी डिस्कस किया वो सेम टू सेम एप्लीकेबल होता है फॉर मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट

लेकिन जब ऑडिट रिपोर्ट की बात आती है आई रिपीट जब ऑडिट रिपोर्ट की बात आती है इन दैट केस ब्रांच ऑडिटर विल रिपोर्ट टू द कंपनी ऑडिटर एंड कंपनी ऑडिटर विल सबमिट द रिपोर्ट टू द आई मीन एड्रेस द रिपोर्ट टू द report सो ऑल द ब्रांच ऑडिटर्स एंड कंपनी ऑडिटर विल फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू द That दैट इज द पॉइंट सर yes सर sir, yes सर तो ब्रांच ऑडिट के इतने बेसिक पॉइंट्स याद रखना प्लीज ओके okay. Now we will move to section 148 cost audit. But wait, 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 wait. इसमें जाने से पहले so, section 148 तक अलग दुनिया है cost audit. So before I go to that particular world of cost audit, ये खत्म कर लेते हैं section 147 of Companies Act penalties क्या है penalties penalties penalties. All right. Now everyone I'll be very quick with this penalties prescribed for company company shall be punishable with fine which shall not be less than twenty five thousand rupees but which may extend to five lakh rupees. यानी company के लिए minimum ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मैक्सिमम रुपीज फाइव लैक्स राइट ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए ये, ये पेनल्टीज किसके लिए पढ़ रहे हो ये अब तक जो हमने सीखा सेक्शन टू वन फोर्टी सिक्स इफ एनीथिंग गेट्स वायलेटेड ओवर हियर प्रिस्क्राइब फॉर ऑफिसर इन डिफॉल्ट ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए यू हैव मिनिमम टेन थाउजेंड रुपीज

ये तो एप्लीकेबल हो ही जाएगा और ये जो आप पढ़ रहे हो ना पे फॉर डैमेजेस ये होगा ओनली एंड ओनली इफ अगर ऑडिट रिपोर्ट में कुछ गलत गया है तो इनकरेक्ट ऑडिट रिपोर्ट ये मैंने पहले बाइफरकेशन दे दिया आई जस्ट गिव यू बाइफरकेशन अब फटाफट जाता हूं इफ द ऑफेंस इज अनशनल बाय द ऑडिटर अब स्ट्रेट अब पेनल्टीज पढ़ो बाकी ज्यादा लॉजिक के पीछे

jail jail happy jail for intentional offense <laughs> all right and then you have fine fine may which makes you not fine is rupees 50000 fine may you have rupees 50000 minimum and maximum hai aapka rupees 25 lakhs or 8 into audit remission whichever is less come on come on come on fatfat example

समझो पार्टनर ए हैज एक्टेड इन फ्रॉडुलेंट मैनर समझो कि उसको ये पूरी फर्म को पेनल्टी लगा है ऑफ रुपीज फाइव करोड़ डैमेजेस वगैरह सब इंक्लूड कर दो ना राइट डैमेजेस फाइन एवरीथिंग फाइव करोड़ ओके एंड इम्प्रिजनमेंट हुआ है एट मंथ्स का तो इम्प्रिजनमेंट तो ए जाएगा ना चलो इफ ए बिकम्स इनसॉल्वेंट तो ये पांच करोड़ जो है दैट एबीसी फर्म विल शेयर इट राइट तो भाई सिविल लायबिलिटी के लिए यू you नो know, आप भले ये कर दो जॉइंट एंड सेवरल दैट इज ओके सिविल लायबिलिटी मॉनेटरी पे आउट से जो खत्म हो सकता है बट फॉर क्रिमिनल लायबिलिटी यू कैन नॉट डू दैट

रिपीट चलो फटाफट ऑडिटर में अन इंटेंशन ऑडिटर में अन इंटेंशनल अन इंटेंशनल मिनिमम ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मैक्सिम रूपीज फाइव लैक्स और फोर टाइम्स लेसवर इज लेस वगैरह मैक्सिमम के लिए करना है मिनिमम फिक्स है इंटेंशनल केस में इंटेंशनल के मिनिमम रुपीज फिफ्टी थाउजेंड मैक्सिम रुपीज ट्वेंटी और एट टाइम्स लेस राइट ओके इंटेंशन अन इंटेंशनल वट एवर इट इज लिज रिफंड योर रेवेशन एंड इफ यू हैव गन इन स्टेटमेंट्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट इन ऑडिट रिपोर्ट देन ऑल्सो यू विल पे फॉर द डैमेस तो ये आपका सेक्शन वन फोर्टी सेवन पेनल्टीज भी हो गया ऑल राइट वेट 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 मैं अभी भी कॉस्ट ऑडिट में नहीं जा रहा हूं क्यों वादा किया है वादा करके निभाना सॉरी सॉरी नो टाइम टू सिंग बट लिटिल बिट वी कैन ऑलवेज एंजॉय आर कम ऑन इट्स एग्जाम टाइम वी हैव टू जस्ट रॉक इट ऑलराइट अ सीलिंग लिमिट वन डिस्कशन इज पेंडिंग सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 क्लॉज जी सीलिंग लिमिट आई विल फिनिश इट विद इन 5 मिनट्स नाउ ऑलराइट एंड देन कॉस्ट ऑडिट मैक्सिमम 8 10 मिनट्स एंड देन वी आर डन ओके Section 141, subsection 3, clause G, ceiling limit. What do you understand by ceiling limit? Maximum number of companies that can be audited by an individual at one point of time. Yaninki. एक साथ अपनी लाइफ में मैक्सिमम कितनी रख सकते हो तुम कंपनीज़ फॉर ऑडिट ऑफ़ स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट ओके वॉट इज द लिमिट ट्वेंटी इंडिविजुअल ट्वेंटी कंपनीज़ पर इंडिविजुअल सो पर इंडिविजुअल कौन इंडिविजुअल कौन शुड बी अ प्रैक्टिस पर कौन सा सी ए प्रैक्टिस who is not full time employed elsewhere who is not full time employed elsewhere बस याद रखो ये वैसे तो सीविंग लिमिट सच्ची बताओ इंटर सी के बुक में गलत दिया है At finance say, they have given in much more detail, which is proper ceiling limit. But me ko jo interest hai, I need to teach that. So twenty companies per individual for audit of financial statement, and who individual? Practicing CA who is not full time employed elsewhere? Alright. If he is full time employed elsewhere, then in that case, it will he will he will not be able to audit financial statements of any company. Alright. Okay. Now listen to me. Twenty companies. may Which companies count? Hai? Companies included and companies excluded. Companies included, public company and private company with paid-up share capital of greater than equal to rupees hundred crore. All other companies are excluded. One percent company, small company, dormant company, all right. Private company with paid-up share capital less than rupees hundred crore. Yes, sub companies excluded. These are all right. I have written everything over here. All right. Okay. बट लिसन टू मी अगर प्राइवेट कंपनी ने इफ प्राइवेट कंपनी अपना जो एन्युअल रिटर्न एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फाइल करना होता है आर ओसी के पास उसमें डिफॉल्ट किया काउंटेड ओके सो पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी ऑलराइट एंड द कंपनी विच आर एक्सक्लूडेड कोई भी कंपनी हो इसमें से बट इट डिफॉल्ट

आप देखोगे यहां पे जो इन्होंने क्वेश्चन दिया है फॉर सीलिंग लिमिट इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन मिस्टर ए बी एंड सी ओके ये तीनों हैं प्रोवाइड मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिट्स रिमेनिंग इन द नेम ऑफ ए बी सी एंड देखो ए ने फोर लिया है इसने सिक्स टेन तो ए का कितना बाकी है ट्वेंटी माइनस फोर इसका फोर्टीन इसका टेन सो सिक्सटीन फोर्टीन टेन एंड ओवरऑल फॉर्म लेवल पे फोर्टी ज सी वन इंडिविजुअल इफ वन इंडिविजुअल पार्टनर इन टेन फॉर्म ऑल्सो स्टिल ओवरऑल उसके नाम पर ट्वेंटी के ऊपर नहीं ले सकता सिलिंग लिमिट काउंट कैसे होता है द नंबर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स ऑडिट रिपोर्ट्स ओके नाउ एवरी वन ओवर हियर

दोनों एक्स लिमिटेड का जॉइंट ऑडिट कर रहे हैं। से लेवल पे बट इफ दे जस्ट वॉन्ट टू डू इट सो प्लीज दैट इतना बेसिक आप कर लो है सीलिंग लिमिट फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेमेंट ऑफ कंपनीजन इट कम्स टू टैक्स ऑडिट आई रिपीट वन इट कम्स टू टैक्स ऑडिट राइट टैक्स ऑडिट का सीलिंग कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट प्रोपरेटर फाइनेंस लेवल पे इसका एक घंटे का डिस्कशन आपके यहाँ पर दे दिया 60 के ऊपर एक्सेप्ट नहीं कर सकता टैक्स ऑडिट right? जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर होता है 44 ये वाला क्या है कंपनी ऑडिट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्वेंटी

देखो ना आप सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर 140 रिमूवल 141 एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन डिस्कालिफिकेशन 142 रेमुनरेशन 143 राइट्स एंड ड्यूटीज 144 ऑडिटर नॉट टू प्रोवाइड सर्टन सर्विसेज 145 ड्यूटी टू साइन ऑडिट रिपोर्ट 146 राइट एंड ड्यूटी टू अटेंड जनरल मीटिंग 147 पेनल्टीज एंड वन कॉस्ट ऑडिट टेन वन फोर्टी एट कॉस्ट ऑडिट पे फटाफट आते हैं अभी ओके चलो स्टूडेंट्स नाउ फोकस फटाफट हो जाएगा ये कॉस्ट ऑडिट में देर आर टू थिंग्स विच यू नीड टू स्टडी पहले तो कुछ कुछ सिलेक्टेड कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं सो फर्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स सारी कंपनीज को मेंटेन नहीं करने एंड सेकंड इज

नॉन रेगुलटेड सेक्टर एनआरएस कंपनी ऑपरेटिंग अंडर रेगुलेटेड सेक्टर और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर गवर्नमेंट एंड वो उसके अंदर भी इफ द कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट्स या प्रोवाइडिंग सर्विसेज जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है उसका भी लिस्ट दिया हुआ है बट नॉट इन योर मॉड्यूल एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ ये इंग्लिश आना चाहिए बस इन प्रिस्क्राइब गुड्स एंड प्रोवाइडिंग प्रिस्क्राइब सर्विसेस एंड अगर ऐसी कंपनी का ओवरऑल एन्युअल टर्न ओवर है ग्रेटर देन इक्वल टू रूपीज थर्टी फाइव करोड़ एंड ये लास्ट ईयर का फिगर देखा जाएगा देन इन दैट केस कंपनी शाल मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स आई रिपीट कंपनी शाल मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स राइट कॉस्ट रिकॉर्ड का जो फॉर्मेट है वो फॉर्म सी आर एन के अंदर दिया गया है वो ही आपका कॉस्टिंग का पूरा right? कॉस्ट पता है एम एस एम ई डेवलपमेंट एक्ट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट टू थाउजेंड सिक्स उसमें एम फॉर माइक्रो एंड एस फॉर स्मॉल तो जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस है एज पर एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 अगर उनका टर्नओवर इससे एक्ससीडी भी कर देता है स्टिल दे आर नॉट सपोज टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड

देखोगे ओवरऑल एनुअल टर्न ओवर अगर ओवरऑल एनुअल टर्न ओवर इज ग्रेटर फिफ्टी करोड़ वेट एंड एग्रीगेट ऑफ बेटा समझाऊंगा एक एग्जाम्पल के थ्रू इंडिविजुअल प्रिस्क्राइब प्रोडक्ट्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूपीज ट्वेंटी फाइव करोड़ ओनली देन कॉस्ट ऑडिट इज एप्लीकेबल अब एक मिनट सुन लो ताकि खत्म हो जाए बेटा सो right. so, समझो एक कंपनी है रेगुलेटेड सेक्टर में उसका टोटल टर्नओवर ओवर हंड्रेड करोड़ से अच्छा प्रिस्क्राइब प्रोडक्ट्स यानी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, में right? आ, वो है ए एंड बी

थर्टी फाइव करोड़ और मोर तो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंस्ट ऑडिट करवाना है कंपनी को कॉस्ट ऑडिट वेट बेट वेट 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 ओवरऑल एनुअल टर्न ओवर इज हंड्रेड करोड़ अच्छा रेगुलेटेड सेक्टर में है तो फिफ्टी करोड़ और मोर है ओके okay. तो एक कंडीशन फुलफिल हुआ लेकिन जो प्रिस्क्राइब प्रोडक्ट्स है एग्रीके टर्न ओवर ऑफ इंडिव्यूजल प्रिस्क्राइब प्रोडक्ट्रीकेब प्रोडक्ट वो ट्वेंटी हो रहा है तो ट्वेंटी फाइव नहीं हो रहा है सो कॉस्ट ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल कॉस्ट ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबलिश आई होप आई एम क्लियर विद दिस, यस, यस, यस सर, अच्छा नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में ये पूरा इंग्लिश सेम रहता है ओवरऑल टर्न ओवर का खाली फिफ्टी की जगह हो जाता है हंड्रेड एंड ये ट्वेंटी फाइव करोड़ की जगह पे हो जाता है

एक्सपोर्ट टर्न ओवर इन फॉरन एक्सचेंज करकेट इज वाई यूल फ्रॉम कॉस्ट ऑर्डिट दूसरा द कंपनी इज ऑपरेटिंग फ्रॉम अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन तीसरा दंपनी इज एंगेज इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैपिटिव कंजम्पन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है बट उसका हंड्रेड परसेंट सेल्फ कंजम्पन हो रहा है

जितने भी डिस्कॉलीफिकेशन हमने डिस्कस किए फॉर ऑडिटर ऑफ द कंपनी ऑल्सो अप्लाई टू कॉस्ट ऑडिटर बी केयरफुल विद दिस एंड लिसन टू मी। चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म जो ऑडिट कर रही है शियल स्टेटमेंट समझो मेरा एक पार्टनर ऑडिटर सेक्शन सो कितनी चीजें पता चली कॉस्ट अकाउंटेंटिंग प्रैक्टिस होगा बीओडी अपॉइंट करेगा विद इन वन एटी डेज फ्रॉमेंसमेंट ऑफ फाइनेशियल जो भी डिस्कॉलीफिकेशन हमने डिस्कस किया रिमूवल भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकता है कैजुअल वैकेंसी भी बोर्ड ऑफ डरेक्टर फिलअप करेगा जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट करेगा दे विल हैव टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन थर्टी डेज जिसका अलग से एक फॉर्म है फॉर्म ए टू तो कितने फॉर्म पड़े हमने सीआर वन कॉस्ट रिकॉर्ड के लिए सीआरए टू सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज गोइंग टू इनफॉर्म वेन अपॉइंटिंग द ऑडिटर तो एक बार प्लीज इसे रीड कर लीजिए

Cost auditor will submit his cost audit report, will submit his cost audit report to the company within how many days? Within 180 days from the closure of financial year.

they will have to forward this form CRA three to the central government within how many days within thirty days thirty days of my birthday no thirty days of receiving the cost audit report. इसके साथ साथ कंपनी को क्या करना है कि अगर कॉस्ट ऑडिटर ने कुछ नेगेटिव रिमार्क दिए हैं then in that case company will have to provide full information and explanation.

तो यह है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्टिंग का पूरा पॉइंट। नाउ मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया माने right? 139 से लेके 148 तक आई होप यू लाइक द एफर्ट कारो 2020 को अलग से करो ऑलराइट नॉट नाउ ऑन द डे ऑफ एग्जाम दिस इज द फर्स्ट डे आफ्टर योर एडवांस अकाउंट्स पेपर इज ओवर ऑल राइट यू कांट टेक कारो बी फ्रेश टेक इट द डे ऑफ एग्जाम्स थैंक यू सो मच